नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है 2018 मेंस के रिजल्ट के बारे में। इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं आयोग में 16 जून से उसके बारे में, और 2020 पीसीएस प्री के बारे में। हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये फोटो आप मेरा ही समझ लीजिए। आप लोग सब अगर झांक के देखें तो अपने जीवन में ये स्थिति आप सबके साथ हुई है। हम लोग ए श्रेणी के और या बी श्रेणी भी अगर आप कह दें उसके लोग नहीं हैं। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, ना तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ना हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। केवल एक ही चीज बचती है जिसके द्वारा हम सब प्राप्त कर सकते हैं, वो है पढ़ाई। उसी सपने को लिए हुए कोई 2012 से लगा हुआ है, कोई 13 से, 14, 15, 16, 17 और कुछ इस वर्ष भी जुड़ जाएंगे। एक बात एक और मैं आपको डिटेल दे देता हूँ 2020 पीसीएस प्री की। आवेदनों की संख्या यहाँ मालूम पड़ेगा 5,95,696 लोग हैं जो चाहते हैं कि वे अधिकारी बने। अब इन 100 में से एक, इवन 100 में से एक अर्थात केवल 5,956 नहीं होंगे, ये लगभग 150 में से एक बच्चा प्री क्वालिफाई करेगा। और आपकी लड़ाई एक बात और समझना, लिख के रख लो, नोट करके रख लो, जितने प्री क्वालिफाई करेंगे 2020 में उतनी कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में चलते हैं पीसीएस के और आईएएस के। एक कोचिंग सेंटर में यदि आप माने, 5,000 कोचिंग सेंटर बता रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में है, हर गली मोहल्ले में कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं, 4 अध्यापक और 3 अध्यापक भी पढ़ा रहे हैं, तो उन अध्यापकों का भी नहीं हो रहा है प्री। आप दिमाग में ठूसिए इस बात को, दिमाग में रख लीजिए, इसका मतलब आपकी लड़ाई तो मुझसे है। 2018 में भी मैं आपका कंपटीटर था, 19 में भी मैं कंपटीटर था, मुझसे ही लड़ना पड़ेगा या मुझ जैसे अन्य लोग होंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। तो पहले इन सब बातों तो मैंने आपको समझाई हैं, ये पूरी बात आप सुन के जाइएगा। अगर झंडा गाड़ना है आपको 2020 पीसीएस प्री में, आज मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा कि जो लोग अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्ति को अपने आसपास सब में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप योग्य थे, बस समय का इंतजार था, एक निश्चित समय पर आपको पूर्णाहुति देनी है। ये है आज की खबर, इसे समझिएगा। यूपीपीएससी में जल्द शुरू होंगे इंटरव्यू का दौर, लॉकडाउन, इससे मैं कुछ अनुमान लगवाऊंगा कि क्या होने वाला है अगले एक महीने में, 2-3 दिन में कैलेंडर आने की पूरी उम्मीद है। लॉकडाउन में ढील मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में लंबित कार्य तेजी से निस्तारित हो रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी, शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन, रुके रिजल्टों को तैयार करने का काम चल रहा है। इसी बीच रुके इंटरव्यू शुरू कराने का निर्णय भी लिया गया है। इंटरव्यू 16 जून बताया जा रहा है, ठीक है। तो 16 जून पहले तो ये मत समझिए ये यूपीपीसीएस मेंस 2018 का है, नहीं है। एलटी ग्रेड की भर्तियां हैं, कुछ अन्य भर्तियां हैं, उनके इंटरव्यू कार्य शुरू हो जाते हैं 16 तारीख से तो यूपीपीएससी 2018 इंटरव्यू की राह खुल जाएगी। एक रास्ता तैयार हो जाएगा कि इंटरव्यू जब इनके हो सकते हैं तो इनका भी लिया जा सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि 15 जुलाई तक ये क्लियर करना है, 15 जुलाई तक इंटरव्यू समाप्त हो जाने चाहिए यूपीपीसीएस, अगर कोरोना यूपीपीसीएस 2018 मेंस के, और अगर कोरोना से बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ती है बात तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम रिजल्ट की भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले सप्ताह आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यूपीपीसीएस 2018 मेंस का। अब करना क्या है आपको, पहले तो एक मेरा नंबर नोट कीजिए आज आप। केवल गंभीर अभ्यर्थी, जिन लोगों को करना ही करना है वही लोग बात करें, ना मुझ पे समय है ना आप पे समय है अतिरिक्त समय बर्बाद करने के लिए। जिन्हें गारंटी से 2020 पीसीएस प्री निकालना हो, मुझसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करना हो, तब 9557 22 33
8888। ये मैं वीडियोस दे रहा हूँ, 10 वीडियो आपको नमूना में दूंगा। अगर 1000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, सोते समय भी जगा के कोई पूछ ले संविधान आपसे, तो आप बता पाएं, ऐसी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, ये देखिए और मैं कुछ नमूने दिखा देता हूँ आपको। ये है संविधान की पेड़ कक्षा वाला, 1500 में निकल जाएगा, 1.5 लाख में काम नहीं हो रहा। ये देखिए इनका निकला 2018 PCS। अमरेंद्र भाई हैं, केवल 21 साल उम्र है, हो सकता है आपकी कुछ ज़्यादा हो। थैंक्स आरएम सर, माय नेम इज अमरेंद्र कुमार। चलिए आगे चलते हैं, इनसे भी आगे। आपसे सच्ची मिलने के बाद जो भी है जुनून जाग गया तो जागता रहेगा। ये देखिए यहाँ से 65वीं BPSC प्री, 64वीं BPSC मेंस का रिजल्ट अवेटेड है भाई का, अर्जुन कुमार भाई हैं ये। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर आप नाम देखना चाहते हैं अपना 2020 की PDF जो रिजल्ट की आए आयोग की वेबसाइट पर, आपका रोल नंबर उसमें देखना आप चाहते हैं, तो आप संपर्क कर लीजिए। केवल 2.5 महीने बचा है आपके पास, उम्मीद की जा रही है कि 2.5 महीने है, इस 2.5 महीने में झंडे गाड़ देने। 2-3 बातें बिल्कुल उल्टी बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लक्ष्मीकांत बिल्कुल मत पढ़ना, भूगोल की कोई मोटी किताब नहीं पढ़नी। अभी सुभाष कश्यप हमारी संसद नहीं पढ़नी आपको, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है प्री के लिए। और जिसको सबूत चाहिए मुझे व्हाट्सएप करते जाए, मैं दिखाता जाऊंगा सबूत। तैयारी में लगा दो अपने आप को, झोंक दो बिल्कुल। आप PCS बनने के लिए ही बने हैं, ये तय करो अपने आप में। एक बार ये देखो, दिखाता हूं एक फोटो और, एक बार ये ड्रीम करके देखो कि आपको आप ये हो और इसी बार में आपको ये बनना है। बनना भी नहीं है तो इतनी लड़ाई सकती हो कि वो जो चुने हुए 2000 लोग हैं जिनमें से 200 बनने हैं उनमें आप शामिल हो। ये फोटो सबको अच्छे लगते हैं, उतना काम करता कौन है। ये 150 वीडियो हैं 2-2 मिनट के, ये तैयार करने हैं आपको इन्हीं 2.5 महीने में। किसी की कोई भी समस्या हो अगर आप कहें तो, आप कमेंट करेंगे तो 2019 की पद डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, 2019 में किस किस के पद रहे, ये पूरी डिटेल मेरे पास है। किसी को जरूरत हो तो वो मुझसे ले ले, और कोई समस्या हो UPPCS से संबंधित तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।